ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है, इसराइल और पैलेस्टीन। आखिर क्या हुआ है इन दोनों के बीच और इन दोनों में से गलत कौन है? 6 अक्टूबर 1973 इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था और ठीक 50 साल बाद 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया। केवल 20 मिनट के अंदर हजारों मिसाइल्स दाग दी गई इसराइल के ऊपर, हजारों मासूम इसराइली लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और केवल मिसाइल्स ही नहीं, हमास वाले ट्रक का यूज करके, बुलडोजर का यूज करके बॉर्डर को तोड़ इसराइल के अंदर घुस आए। उन्होंने पैराग्लाइडर्स का सहारा लिया। ये पैराग्लाइडर्स हवा में लोगों को गोलियां मार रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। बहुत सारे आतंकी बोट का इस्तेमाल करके इसराइल के अंदर घुस आए, लोगों को उनके ही घरों में बंदी बना दिया, कई लोगों की जानें ले ली और कई लोगों को हॉस्टेज बना लिया। इसराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला किया था हमास ने। ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसका फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। ये टेररिस्ट ग्रुप गाजा पट्टी नाम की छोटी सी जगह पर एक्टिव रहता है और यहीं से इसने इजराइल पर हमला किया था। और इस छोटे से हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने वॉर अनाउंस किया। אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה. लेकिन आखिर हमास ने ऐसा क्यों किया, ये जानते हुए भी कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट है और इस हमले के बाद इसराइल हमास को छोड़ेगा नहीं। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ भी, इसराइल के हमलों ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के आतंकियों को तो मारा ही, लेकिन उसके साथ ही कई इनोसेंट पैलेस्टीन लोगों की भी जान चली गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक छोटे से टेररिस्ट ग्रुप ने इतना बड़ा अटैक आखिर कैसे किया। 20 मिनट के अंदर हजारों मिसाइलें इसराइल पर दाग दी। ये हमला इतना भयंकर था कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो कि हवा में मिसाइल्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, वो भी फेल हो गया। आखिर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या दुश्मनी है, क्यों हमास इसराइल को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहता है, और क्या ऐसी कोई घटना भारत में भी हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमास की पूरी हिस्ट्री और साथ ही जानेंगे इसराइल और पैलेस्टीन की दुश्मनी के इतिहास को आज के फाड़ू वीडियो में। ये दौर था 19वीं शताब्दी का, जब ज्यूस यूरोप के अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में रहते थे और पैलेस्टीन भी एक ऐसी ही जगह थी जहां पर कुछ ज्यूस रहते थे। पैलेस्टीन में ही एक जगह है जेरूसलम, जिसको ज्यूस अपना पवित्र स्थान मानते हैं। पूरी दुनिया में ज्यूस फैले हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका खुद का कोई देश नहीं था। वो जहां पर भी रहते थे उनको हेट मिलती थी और इस हेट के पीछे था क्रिश्चियंस का एक बिलीव कि ज्यूस की वजह से ही जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। अब चूंकि जेरूसलम ज्यूस लोगों का स्पिरिचुअल होमलैंड था, तो धीरे धीरे दुनिया भर के यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर केवल ज्यूस ही नहीं बल्कि मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का भी पवित्र स्थान है और ये तीनों कम्युनिटीज इस जगह पर अपना हक जताती हैं। अब मैं आपको पैलेस्टीन और जेरूसलम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में, मतलब अभी के टाइम में, ये जो पैलेस्टीन था ये पूरी तरह से इसराइल बन चुका है और ये जो सारा मुद्दा, ये सारी लड़ाई जो चल रही है, ये इसराइल के ज्यूस और अरब मुसलमानों के बीच की ही लड़ाई है। 1882 में पैलेस्टीन में केवल 24,000 ज्यूस थे, लेकिन इनकी आबादी बढ़कर 1914 में 90,000 से ज्यादा हो गई। जब धीरे धीरे यहाँ पर इनकी आबादी बढ़ने लगी, तो इनके मन में एक विचार आया, अपना एक देश बनाने का विचार जहाँ पर केवल ज्यूस रहते हों। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि पैलेस्टीन और जेरूसलम वाले इलाके में मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में थी और ये जो जेरूसलम था ये था पैलेस्टीन के अंदर और पैलेस्टीन पर शासन चलता था ओटोमन साम्राज्य का। लेकिन जब 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब ओटोमन एम्पायर बुरी तरह से इस युद्ध में हार गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने जेरूसलम और पैलेस्टीन में अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया। उन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूइश लोगों से यह वादा किया था कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तब हम पैलेस्टीन में आपका एक अलग से देश बना देंगे जहां पर ज्यूइश लोग रह सकते हैं। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर ने ज्यूइश लोगों की मास किलिंग की थी, जिसे आप जेनोसाइड के नाम से जानते हो, और इस मास किलिंग की दहशत पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा थी कि सारी दुनिया के ज्यूइश भागकर जेरूसलम और पैलेस्टीन
पैलेस्टीन के इलाकों में आने लग गए थे। इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही थी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी इन्हीं का साथ दे रही थी, और यही बात यहाँ पर रहने वाले अरब मुस्लिम्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ पर ज्यूइश और अरब मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये सब काफी लंबे समय तक चला, वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो गया, और उसके बाद ब्रिटेन की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। उनके पास ये ज्यूइश और अरब मुस्लिम्स के मुद्दे को सुलझाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो उन्होंने ये सारा मुद्दा यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया, और यूनाइटेड नेशन ने इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला जो था टू स्टेट सॉल्यूशन। यहाँ पर पैलेस्टीन के दो हिस्से कर दिए गए, जिसमें से कि 55% का हिस्सा मिला ज्यूइश को और 45% जमीन मिली अरब मुस्लिम्स को। लेकिन जेरूसलम किसी को नहीं दिया गया, इस पर यूनाइटेड नेशंस ने अपना अधिकार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा। अब ज्यूइश लोग तो काफी खुश हो गए थे कि उनको 55% जमीन मिल गई थी, लेकिन अरब मुस्लिम्स इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, और पैलेस्टीन के आसपास के जो अरब देश थे वो भी इस टू स्टेट सॉल्यूशन से एग्री नहीं थे। 14 मई 1948 को इसराइल ने स्टेट ऑफ इसराइल अनाउंस किया, मतलब उन्होंने खुद को ही आजादी दे दी, अपना एक देश बना लिया इसराइल नाम का। और जैसे ही ये हुआ, अगले ही दिन मतलब 15 मई 1948 को अरब देशों के सपोर्ट से जो पैलेस्टीन के लोग थे उन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया, और ये लड़ाई चली करीब एक साल तक, और 1949 में इसराइल इस जंग को जीत गया। हालांकि पैलेस्टीन का साथ देने वाले बड़े बड़े अरब देश थे इस युद्ध में, लेकिन फिर भी ये लड़ाई इसराइल के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अगर वो हारते तो उनका इस दुनिया से ही सफाया हो जाता, और शायद इसी जज्बे ने उनको इस युद्ध में जीत दिलाई। और इस युद्ध के बाद इसराइल ने पैलेस्टीन की बची खुची जमीन जो अरब मुस्लिम्स के पास थी वो भी अपने कब्जे में ले ली। अब पैलेस्टीन के लोग केवल दो एरियाज में ही सिमट कर रह गए थे, एक था जॉर्डन के पास का एरिया वेस्ट बैंक, और दूसरा था इजिप्ट के पास का एरिया गाजा स्ट्रिप। और पैलेस्टाइन देश का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब यहाँ पर जितनी भी पैलेस्टीन की जमीन थी वो पूरी तरह से ज्यूइश के अंडर में थी और वो इसराइल में आ चुकी थी। और जो पैलेस्टीन में रहने वाले 50,000 अरब मुस्लिम थे वो अपने ही देश में छोटी सी जगह पर सिमट कर रह गए थे और रिफ्यूजी बन गए थे। हालांकि कुछ लोग यहाँ से निकलकर अरब देशों में चले गए थे, लेकिन अरब देशों ने भी सभी अरब मुस्लिमों को अपने देश की नागरिकता नहीं दी। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने भी इन लोगों को नहीं अपनाया, और ये लोग वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में ही सिमट कर रह गए। इस दिन को अरब मुस्लिम नकबा डे कहते हैं, जो उनके लिए इतिहास का सबसे काला दिन है। इस दिन उन्हें अपनी ही जमीन पर रिफ्यूजी बनना पड़ा था, और इस तरह इसराइल बना एक पावरफुल देश। लेकिन समस्या की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि अब पैलेस्टीन्स को लगने लग गया था कि हमारा देश, हमारी जमीन कहाँ है, और अपना हक, अपनी जमीन वापस लेने के लिए स्थापना की गई PLO की, जो था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि अरब मुस्लिम्स को अपनी जमीन वापस मिले, जिसे वो अपना देश कह सकें। इसराइल ने उनकी जो जमीनें छीन ली हैं वो उनको वापस की जाएं। 1967 में सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन ने मिलकर फिर से इसराइल पर हमला किया। ये युद्ध करीबन 6 दिन तक चला और इसमें इन तीनों देशों की हार हुई। और इस लड़ाई के बाद इसराइल ने जो दो बचे हुए हिस्से थे पैलेस्टीन्स के पास, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन दोनों को भी अपने कब्जे में ले लिया, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल वाला जेरूसलम भी इसराइल ने अपने ही कंट्रोल में ले लिया। और ये जिस दिन हुआ था उसे ज्यूइश लोग जेरूसलम डे के नाम से मनाते हैं। अब पैलेस्टीन पूरी तरह से इसराइल बन चुका था। इसराइल के लोगों के पास, ज्यूइश लोगों के पास 100% लैंड था पैलेस्टीन का, लेकिन उसके साथ ही थे 2 मिलियन से भी ज्यादा पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। अब ये लोग एक ही जमीन पर रह रहे थे, लेकिन इन लोगों के विचार अलग अलग थे। ये दोनों ही पक्ष इस जमीन पर अपना हक समझते थे, और इसीलिए इनके बीच में हमेशा लड़ाइयां चलती रहती थी। पीएलओ बनने का भी पैलेस्टीन लोगों को कुछ खास फायदा नहीं मिला, क्योंकि शुरुआत में तो पीएलओ ने वायलेंस का सहारा लिया, लेकिन बहुत ही जल्द वो लोग भी समझ गए कि लड़ाई करके इसराइल से जीत कर जमीन लेना इम्पॉसिबल है। उन लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाया, इंटरनेशनल लेवल पर यूएन की मीटिंग्स में अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाई, लेकिन अरब मुस्लिम्स को पीएलओ का ये तरीका कुछ पसंद नहीं आ रहा था। बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, इजिप्ट, इसराइल और पीएलओ की राजनीति में बहुत चेंजेस आए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं निकाल पा रही थी। तो अरब मुस्लिम्स ने इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सलूशन निकाला, और उस सलूशन का नाम था हमास। ये एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका काम था वायलेंस करना, युद्ध करना, लड़ाइयां करना, और इसी तरह से वो जीतना चाहते थे इसराइल को। अपनी जमीन वापस लेना उनका एकमात्र मकसद नहीं था, हमास का मकसद था इसराइल को इस दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिटा देना। 2006 में फिलिस्तीन मतलब पैलेस्टीन में चुनाव में हमास की जीत हुई और उन्होंने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया, और ये चुनाव गाजा पट्टी में हुआ आखिरी चुनाव था। उसके बाद से गाजा स्ट्रिप पर हमास का ही
ही कब्जा है। हमास और PLO ये दोनों ही पैलेस्टीन के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स की विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती। इसराइल का बेसिकली पूरा ध्यान PLO और वेस्ट बैंक की तरफ था और इसी का फायदा उठाया गाजा पट्टी में मौजूद हमास टेररिस्ट ग्रुप ने। हालांकि इसराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से आइसोलेट करके रखा है, मतलब ना यहां पर कोई एयरक्राफ्ट के थ्रू जा सकता है ना ही पानी के रास्ते आ सकता है। ये गाजा पट्टी पूरी दुनिया से कटी हुई है, इसको इसराइल ने चारों तरफ से घेर कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर मौजूद टेररिस्ट अंडरग्राउंड सुरंगों का यूज करके बाहर निकल जाते हैं। ये लोग ईरान से और अलग अलग मुस्लिम देशों से अपने लिए हेल्प लेते हैं। इनको मिलियन डॉलर्स में फंडिंग की जाती है ताकि ये लोग इसराइल के ऊपर आतंकी हमले कर सकें। इस्लामिक देशों का इनके ऊपर इतना हाथ है कि इन्होंने छोटी सी जगह से भी पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है। और अब तो इन लोगों ने घर में घुसकर मारने की स्ट्रेटजी का यूज किया। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे जब इसराइल के आधे से ज्यादा लोग सो रहे थे, नींद में थे, तब इन लोगों ने हजारों की संख्या में मिसाइल छोड़ दी, और वो भी मासूम इसराइल के नॉर्मल लोगों पर, जिन्हें ना युद्ध से कोई लेना देना था, ना वो सैनिक थे, ना ही उन्होंने कभी किसी तरह की लड़ाई लड़ी थी। इस हमले में कई लोगों की जान गई और उसके बाद इसराइल ने हमास को इस दुनिया से मिटाने की ठान ली है। और ये बात पूरी दुनिया से अब छुपी नहीं है, जिस तरह से इसराइल हमास का खात्मा करने के लिए एक के बाद एक हमले कर रहा है, उसमें गाजा पट्टी में मौजूद हमास के आतंकी तो मारे ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में ही वहां पर मौजूद मासूम लोग जो नॉर्मल पैलेस्टीन लोग हैं उनकी जान पर भी बनकर आ गई है। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कहां जाएं, क्योंकि इधर से इजिप्ट ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं और वो लोग इस साइड इसराइल में तो घुस ही नहीं सकते। देखिए, हमास की और टेररिस्ट की मदद कौन कर रहा है, कौन कौन से देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास इतने बड़े बड़े खतरनाक हथियार कैसे आ रहे हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि फिलहाल अभी जो इसराइल में हो रहा है वहां पर गिल्टी कौन है। देखिए, बहुत से लोग पैलेस्टीन के लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि ये जमीन उनकी है, उनका हक है अपनी जमीन पर रहने का, और पैलेस्टीन के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसराइल उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। पहले आप इस बात को याद रखिए कि जब UN ने इस देश के दो हिस्से कर दिए थे तब इसमें पैलेस्टीन के लोगों को भी 45% लैंड मिला था, लेकिन इन्हीं लोगों ने 45% लैंड को लेकर बाकी के लैंड को भी ऑक्यूपाई करने के लिए खुद से युद्ध की शुरुआत की थी, और वो भी बाकी सारे अरब देशों के साथ मिलकर। अब ये लोग उस युद्ध में हार गए और उस हार की वजह से जो इनको 45% जमीन UN ने दी थी वो भी इनके हाथ से छिन गई। अगर ये युद्ध ना लड़ते और कोई और तरीका अपनाते तो शायद इनकी 45% जमीन तो ना छिनती। और दूसरी बात, जो लोग हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए, हमास का उद्देश्य पैलेस्टीन की लैंड को वापस लेना नहीं है, उनका मकसद एकदम साफ है, वो चाहते हैं कि इसराइल के लोगों को इस दुनिया से हटा दिया जाए, इसराइल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। हमास की लड़ाई किसी के हक की लड़ाई नहीं है, ये एक आतंकी ग्रुप है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जहां पर पैलेस्टीन में भी मासूम लोग हैं वहां पर इसराइल में भी मासूम और इनोसेंट लोग हैं, और हमास इन्हीं लोगों को मारने की बात कर रहा है। अब बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं कि इसराइल इतनी बड़ी महाशक्ति है, इसराइल के पास इतना पावर है, उसे इस तरह से गाजा पट्टी पर हमले नहीं करने चाहिए, मिसाइल्स नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोग भी उन हमलों में मारे जा रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि आपके देश पर यदि कोई आतंकी ग्रुप, यदि कोई टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर दे, हजारों की संख्या में एक बार में मिसाइल छोड़ के हजारों लोगों की जान ले ले, तब आपका देश क्या करेगा? इसराइल ने भी वही किया, क्योंकि अगर वो हमास के हमले का जवाब नहीं देता तो हमास उन पर और ज्यादा हमले करता, उनके लोगों को और ज्यादा मारता। तो आपको क्या लगता है, क्या हमास सही कर रहा है, और क्या इसराइल का अपने देश के लोगों की रक्षा करना, अपना डिफेंस करना गलत है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि देखिए, मासूम लोग दोनों तरफ हैं, इसराइल की तरफ भी, पैलेस्टीन की तरफ भी, और ये टेररिस्ट अटैक, इस तरीके के मिसाइल्स के हमले, ये वॉर लड़ाइयां किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, इसमें दोनों तरफ के मासूम लोगों की ही जान जाने वाली है। तो आप किसे सपोर्ट करते हैं, किसे सपोर्ट नहीं करते, इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हजारों मासूम लोगों की जाने जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसराइल, पैलेस्टीन और हमास के इतिहास के बारे में बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो पूरा युद्ध चल रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं तो यही मांगता हूं ऊपर वाले से कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और इस लड़ाई की वजह से और ज्यादा मासूम लोगों की जाने ना जाए। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें और इस मुद्दे पर अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।